मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है छोटी कछुए की बच्ची को लेकर। और एक भाई का कमेंट आया था कि मेरे पास छोटा कछुए का बच्चा है, उसको मैं कैसे रखूं, क्या खिलाऊं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपके पास कौन सा कछुआ है, टर्टल या टर्टोइस। आपके पास ज़मीनी कछुआ है या पानी का कछुआ। टर्टल पानी कछुए को बोलते हैं और टर्टोइस ज़मीनी कछुए को बोलते हैं। जैसे मैंने इसके बारे में कोई एक बढ़िया वीडियो डाला है, टर्टल और टर्टोइस, ज़मीनी कछुआ और तालाब कछुए में अंतर बताया है, तो मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाके भी देख सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अपने अपलोड किया है कछुए का, वो सब टर्टल हैं, सब पानी के कछुए हैं। तो उसको देख के भी आप अपनी कछुए का अनुमान लगा सकते हैं आपके पास कौन सा कछुआ है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि उसको रखने का। जैसे कई लोग क्या करते हैं, तालाब से लाते हैं और पानी में डाल देते हैं, मतलब कि टैंकी में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तालाब के जो पानी का क्लाइमेट होता है वो टैंकी के क्लाइमेट से बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, जो तालाब में जो पानी होता है बहुत अच्छा होता है, जो टैंकी होता है उसका बहुत ही अलग हो जाता है। तालाब में क्या करता है कि कछुआ अपनी मर्ज़ी से तालाब में जाता है, अपनी मर्ज़ी से किनारे आता है, जितना पानी चाहिए उतने गहरी पानी में चला जाता है। लेकिन हम जब टैंकी में डालेंगे 24 घंटे उतने ही पानी में रहेगा जितने में हम डालेंगे, तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसा ना करें, आप अपने घर में थोड़ी टब में रख लें वो अच्छा रहेगा, या बालकनी में तालाब बना लें छोटा सा वो अच्छा रहेगा। और उसको कभी कभी बाहर भी निकाल लें, ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा पानी में रहने दो, उससे वो बीमार हो जाता है। जैसे तो कभी कभी उसको बाहर भी रखना है, मतलब कि ड्राई एरिया में, जैसे ड्राई प्लेस भी उसको पसंद होता है। जैसे ड्राई प्लेस मतलब जैसे सूखा जगह, सूखा जगह। जैसे आप उसको कभी निकाल लिया खाना खाने देने के बाद, फिर खाना तो पानी में ही देना है, जो कि खाना वो पानी में ही खाता है, बाहर बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, पानी में ही उसको खाना देना है। और कभी क्या कि 2-4 घंटे के लिए बाहर धूप में भी रखना है, जिसकी उसकी बॉडी होती है वो जो नमी होती है जो सूख जाती है उससे अच्छा रहता है। और कभी आप जो है कि उसको सूखी डिब्बी में रख दो, जैसे अंडे का डिब्बा लाते हैं पेटी, उसमें रख देना है, इससे वो अच्छा रहता है, उसका जो बॉडी होता है वो सूखा रहता है। और जब मर्जी गया 2-5 घंटे के बाद आपको तालाब में बिल्कुल डाल देना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे इसको कौन से पानी की ज़रूरत है। कई लोग क्या करते हैं कि आर ओ का पानी देते हैं उसको। आर ओ का पानी देंगे तो बहुत ही गलत है, आर ओ का पानी बिल्कुल नहीं देना है। आर ओ का पानी से उसका जो स्किन होता है ना, जो चमड़ी होती है, बहुत ही डैमेज हो जाती है। वो क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसकी आँखें ख़राब भी हो जाती है। ठीक है, आप पानी वही दे दो यूज़ करते हैं, जैसे हैंडपम्प का पानी, बोरिंग का पानी वही देना है, जो कपड़े धोते हैं वही पानी देना है। ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा होता है। और अब खाने की बात करेंगे तो इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन में आप इसको मुर्गी के जो पीस होते हैं चिकन, छोटे छोटे बारीक बारीक पीस करके देना है। और जैसे मुर्गी की जो कलेजी होता है, कलेजे के पीस देना है छोटे छोटे, और मछली की आंते देनी है। जैसे आपको केसवा मिलता है, केसवा भी आप दे सकते हैं, केसवा भी बड़ा अच्छे से खाता है। तो प्रोटीन में तो ये हो गया। और विटामिन में जैसे आप पपीता हो गया, केले हो गया, और केले का छोटा छोटा स्लाइस करके पके हुए फल, ऐसे आप पका हुआ चावल रोटी के बारीक बारीक पीस भी दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो यार कर ही लेते हैं, लेकिन जो साइड में जो घंटी होती है ना बेल आइकन, उसको कोई भी नहीं दबाता, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच ही नहीं पा रहा होगा। उस घंटी को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपको वीडियो मिल सके।